सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों रियलमी हमेशा कुछ ना कुछ नया करता है, यानी नया नया स्मार्टफोन हमेशा लॉन्च करता रहता है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। लेकिन अभी जो स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, एक आप कहेंगे एक गेमिंग स्मार्टफोन है, यानी देखने में इसका लुक और डिजाइन भी बिल्कुल ही गेमिंग स्मार्टफोन की तरह दिखता है, जो कि काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन है। हालांकि अभी इसका पूरा स्पेसिफिकेशन जो है कि ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन कुछ जो स्पेक है, कुछ फीचर्स है जो हमारे सामने आया हुआ है, मैं उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका नाम है रियलमी GT न्यू 3 स्मार्टफोन, एक गेमिंग स्मार्टफोन है। जे आप ऐसे फोन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें गेमिंग खेलने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो इसमें देखिए मीडियाटेक डायमेंसिटी का 900 सोर्स का इसमें आपको चिपसेट मिल सकता है। कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि 900 सोर्स का चिपसेट आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी पावरफुल है, यानी जिसे हम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन कहते हैं वही है प्रोसेसर चिपसेट, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसमें आपको 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है, जो कि 100 वोल्ट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसे कि आप 100 वोल्ट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, 10 मिनट में आपका स्मार्टफोन जो है कि फुल चार्ज हो जाएगा। 6.62 इंच जो है कि सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का दिया गया है। वहीं अगर हम इसकी कैमरे की बात करें तो LED फ्लश की बात करते हैं, तो देखिए रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रंट कैमरा या तो आपका 64 मेगापिक्सल का हो सकता है या 50 मेगापिक्सल का हो सकता है, ये अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन उसके बाद सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का होगा और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर कैमरा देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आपको 16 या 32 का कैमरा देखने को मिलेगा। अभी भी ये कंपनी ने पूरी तरह से अनाउंस नहीं किया है। इसे जो है कि जब लॉन्च होगा मार्च या अप्रैल में इसकी लॉन्चिंग होगी, अभी डेट भी फिक्स नहीं हुआ है, उस समय बताया जाएगा कि उससे पहले कि इसमें क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी हम रैम की बात कर लेते हैं, तो देखिए इसमें 8GB 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, 12GB 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। और ये जो स्मार्टफोन है 3 कलर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी मेरे पास ऑफिशियली लिक्स आए हुए थे, मैंने वही चीज़ आपसे एक्सप्लेन किया ताकि आपको सही जानकारी हो सके। गाइज अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।